बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तावीज़ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने लगा हूँ इम्तिहान और टेस्ट में कामयाबी का बहुत ही ताकतवर तावीज़, जिसको लिखना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये सूरह रूम का बहुत ही ताकतवर नक्शे सुलेमानी है और कई बार का आजमूदा है। अमल की इजाज़त के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मजीद इजाज़त के इंतजार की जरूरत ना है, लेकिन यकीन शर्त है। अगर किसी बच्चे के इम्तहान हों और इम्तहान में कामयाबी पाना मकसूद हो, तो ये तावीज़ दाएं बाजू पर बांधने से इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होती है। कुछ दिनों में मैट्रिक, एफए, एफएससी, बीएस के इम्तहान होने वाले हैं। अगर आपका भी कोई पेपर होना है तो ये तावीज़ आपके लिए ही है। किसी बच्चे को सबक याद ना होता हो और चाहता हो कि इम्तहान अच्छा हो जाए ताकि अच्छे नंबर आए, तो ये तावीज़ पास रखने से इंशाल्लाह बहुत अच्छा इम्तहान देकर आएगा। अगर कोई शख्स कुन ज़हन हो और हाफ़िज़े में कुछ याद ना रहता हो, तो ये तावीज़ पास रखने से अकलमंद हो जाएगा। इस तावीज़ को बावजू और पाक साफ हालत में किसी सफेद कागज पर काली स्याही से आप खुद तहरीर करें। कागज ऐसा इस्तेमाल करें जिस पर कोई लकीर या निशान वगैरह ना हो। फिर इस तावीज़ को किसी कपड़े में बांध कर दाएं बाजू पर बांध दिया जाए और दोबारा लिख कर पानी में घोल कर बच्चे या कुनज़हन शख्स को पिलाया जाए। ये तावीज़ अगर बुध वाले दिन लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, और अगर ज़ाफ़रान से तहरीर किया जाए तो बहुत जल्द असर करेगा, लेकिन काली स्याही से भी लिख सकते हैं। तावीज़ इस्तेमाल करने से पहले हैसियत के मुताबिक कोई भी मीठी चीज लेकर बांट दें, इंशाल्लाह इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस तावीज़ की चाल आतिशी है जो आपको सामने दिखाई जा रही है।